इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस अनाया सोनी को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर ये है कि शूट के दौरान अनाया सोनी की तबीयत हद से ज्यादा बिगड़ने के कारण उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया है। बताया जा रहा है कि अनाया सोनी जब मेरे साई के सेट पर शूट कर रही थी तो वह अचानक से ही बेहोश होकर गिर गई, जिसके बाद अनाया सोनी को तुरंत अस्पताल लेकर जाया गया और शूटिंग रोक दी गई। और अभी भी अनाया सोनी की हालत ठीक नहीं है, बल्कि उनकी हालत और बिगड़ती जा रही है। दरअसल रिपोर्ट्स की माने तो अनाया सोनी के पिता का कहना है कि डॉक्टरों के मुताबिक अनाया सोनी की एक किडनी खराब हो गई है, उनकी किडनी को बदलना पड़ेगा। वह अभी भी डायलिसिस पर है, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति अभी भी ठीक नहीं है। इतने पैसे नहीं है कि अनाया का इलाज करवा सके। वहीं अनाया के ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी से एक पोस्ट भी शेयर की गई है, जिसमें लिखा है कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि मेरी किडनी फेल हो गई है और मुझे डायलिसिस पर जाना होगा। मेरा क्रिएटिनिन 15.67 पर आ गया है और हेमोग्लोबिन 6.7 है। स्थिति बहुत ही गंभीर है। सोमवार को मैं अंधेरी ईस्ट स्थित होली स्पिरिट में एडमिट हो रही हूँ। मेरे लिए प्रार्थना करिए, मेरी जिंदगी आसान नहीं रही है, लेकिन मैं आज में जीकर इसे आसान बनाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन हाँ, टाइम आने वाला था, पता था मुझे, लेकिन ये भी जल्दी गुजर जाएगा। जल्द ही मेरा किडनी ट्रांसप्लांट होगा। डायलिसिस के बाद किडनी के लिए अप्लाई करूंगी। अनाया की हालत बिगड़ने से हर कोई परेशान है। उनके पिता भी बस इसी चिंता में है कि वे अपनी बेटी की किडनी रिप्लेसमेंट और डायलिसिस के लिए इतना पैसा कहां से लाएंगे। आपको बता दे, अब तक अनाया सोनी इश्क में मर जावा है, अपना दिल तो आवारा और अदालत जैसे शोज में काम कर चुकी है, लेकिन उनकी बिगड़ती हालत को देख के तो हम यही कामना करेंगे कि वे जल्द से जल्द ठीक हो जाए। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड जगत की तमाम अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा चैनल NDTV एंटरटेनमेंट। धन्यवाद।